हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। मीन्स आपको ये एक राइट ट्राइंगल पहले से ही गिवन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कुछ पॉइंट जो ज़रूरी थे उनको जाना था कि यहाँ पर जब हम 10 और कॉट की वैल्यू निकालते हैं एंगल के साथ तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, मीन्स जैसे अगर हम साइन के लिए लिखते हैं तो एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस लिखते हैं, तो ये सब कैसे याद करें उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो पाए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 10p माइनस कॉट आर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 10p की वैल्यू अलग निकाल लेंगे और कॉट आर की वैल्यू अलग निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस तरह की वैल्यू निकालेंगे तो राइट ट्राइंगल में हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये दो साइड पता है, बट ये तीसरी वाली साइड हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, उसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें पता क्या नहीं है, मान लिया कि ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है, और 90 के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस हमें पता है क्या है, 13 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, हमने मान लिया कि ये 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं है, ये क्यू आर है इसकी वैल्यू, यहाँ पे नेमिंग दे रखी है तो हमने इसको क्यू आर लिख लिया। अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, इसको इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, मीन्स क्यू आर इक्वल में एक तरफ अकेले रहेगा और 12 का स्क्वायर को हमने इधर ट्रांसपोज कर लिया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आपको आता ही होगा, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ के स्क्वायर हमें याद रखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अब आप 10th क्लास में आ गए हैं। अगर नहीं आता है तो फिर भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 169, या अगर ऐसे भी नहीं आता, कोई नंबर काफ़ी बड़ा है, 86 है, 76 है ना, इस टाइप के नंबर हैं, काफ़ी बड़े नंबर हैं और उनको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, तो उसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। आप इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं कि डायरेक्ट कैसे हम जल्दी से स्क्वायर निकालते हैं किसी भी नंबर का जो दो डिजिट के होते हैं। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन की वैल्यूज़ हैं, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 कंप्लीट कैंसिल हो गया। क्यू आर की वैल्यू चाहिए थी और यहाँ पर अभी स्क्वायर चल रहा था, तो ये स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। और 25 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 25 का फैक्टर करने पे कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 ज़ा 25 होता है, और जैसे ही इसकी पेयरिंग बनेगी तो हम क्या करेंगे, 5 बाहर ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। यहाँ पर अब हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम साइड की बातें कर रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए नेगेटिव साइन हम नहीं दिखा रहे हैं। तो ये वाली साइड हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड पता है, हम 10p और कॉट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, देन उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे और इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो 10p की वैल्यू, 10 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, एल्टीट्यूड अपॉन में बेस, तो ए अपॉन बी, इसका जो ट्रिक बताया था आप इसके पहले के वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया था कि जब एंगल बदलता है तो हाइपोटेनस की वैल्यू सेम रहती है, बट एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू चेंज हो जाती है एंगल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पी है, तो पी से जब हम 90 डिग्री एंगल की तरफ आते हैं तो जो साइड यूज़ होती है वो बेस हो जाती है, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी, वो एल्टीट्यूड जाएगी, क्योंकि हाइपोटेनस तो वही रहेगा। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो भी एंगल यहाँ पर यूज़ किया गया है, टेन साइन कॉस जिसके भी साथ, उसके पॉइंट से आपको 90 डिग्री के एंगल की तरफ आना है, तो वो जो साइड यूज़ की है
वो क्या है, वो बेस है, तो दूसरी साइड क्या है, वो एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर ये एल्टीट्यूड है 5 और ये क्या है, ये बेस है, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। देख रहे हैं ये कैंसिल नहीं हो सकती, इतनी ही वैल्यू रहेगी, अगर कैंसिल होती तो हम इसे कैंसिल कर लेते कॉट आर की वैल्यू। तो ये वैल्यू निकालते वक्त ये मिस्टेक ना कर दीजिएगा कि 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है तो 12/5 लिख दिया। ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया इन्होंने, एंगल आर है, तो इस पॉइंट से हम राइट एंगल की तरफ आएँ तो ये क्या है, ये अब बेस होगा ये वाली साइड, और एल्टीट्यूड अब आपका ये हो जाएगा आर एंगल के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन एल्टीट्यूड, मीन्स फॉर्मूले में रेसिप्रोकल करेंगे बट वैल्यू में नहीं क्योंकि एंगल चेंज हो गया। बेस क्या है आपका, आर की तरफ से, आर से हम यहाँ 90 डिग्री की तरफ आए तो ये 5 है, ये बेस है आपका, और एल्टीट्यूड कितना है, 12 है। अब ये जो आपको दे रखा था क्वेश्चन 10P माइनस कॉट आर, इसमें आपको इस वैल्यू को रख लेना है, 10P की वैल्यू 5/12 है, माइनस का साइन है, कॉट आर की वैल्यू 5/12 आई है। देख रहे हैं दोनों सेम वैल्यू है और अपोजिट साइन की हैं, तो ये दोनों कैंसिल होकर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो गया। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें गिवन है इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड 10A। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन ए की वैल्यू जो है हमें रेशियो में गिवन है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फिगर बना लिया है और यहाँ पर 3x और 4x क्यों लिख लिया है, तो देख लीजिए कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, और इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एल्टीट्यूड और हाइपोटेनस किस एंगल के लिए है, ये ए एंगल के लिए है, तो ए एंगल तो यहाँ पर है, और यहाँ से जब 90 डिग्री की तरफ आते हैं तो ये वाली साइड क्या हो गई, बेस हो गई, तो ये क्या है, एल्टीट्यूड है, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, तो एल्टीट्यूड की जगह 3 लिखा हुआ था, और क्योंकि ये रेशियो में तो इसके साथ आपको एक क्या करना है, एक वेरिएबल लेट कर लेना है, तो हमने इसको 3x लेट कर लिया। अगर आपको ये वेरिएबल लेट करने में प्रॉब्लम होती है तो एक और काम कर सकते हैं कि ये इस वेरिएबल को हम हटा ही देते हैं जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर ये क्या था, एल्टीट्यूड था ए एंगल के लिए, और हाइपोटेनस आपका 4 है जो कि राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में दे रखा है, तो हमें ये तीसरी साइड नहीं पता है, इसको हम फाइंड कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस बेस, हमें पता नहीं है बेस की वैल्यू निकालनी है, तो हमने बेस को एक साइड कर लिया, 3 स्क्वायर को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, देन इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 4 जा 16 माइनस 3 जा 9, 16 में से 9 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि ये बी स्क्वायर की वैल्यू 7 है, हमें बी की वैल्यू चाहिए मीन्स बेस की वैल्यू, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगेगा, √7, तो ये वैल्यू है आपकी √7। आपको इसके साथ वेरिएबल लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। देन ये बी की वैल्यू आ गई बेस, अब हमसे कॉस ए और 10A पूछा है, तो कॉस ए, कॉस के लिए फॉर्मूला आपका क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि एंगल ए है तो यहाँ से 90 डिग्री की तरफ आते हैं तो ये ऐसा क्या हो गया, बेस हो गया √7, और हाइपोटेनस कितना है आपका, 4 है, ये इसकी वैल्यू आ गई 10A की वैल्यू। 10 का फॉर्मूला था आपका एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो ए एंगल यहाँ पे भी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री की तरफ आए तो यहीं पर आपका क्या है, ये बेस है, तो एल्टीट्यूड आपका ये हो गया 3/√7। जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको याद रखना है आपको कि एल्टीट्यूड और बेस एंगल के साथ बदल जाने वाले हैं आपके। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ।